लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भी विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ और भी अधिक हमलावर हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी क्रिमिनल है, उसने किसानों को मारा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उस पर समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न में पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले। सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। आपको लगता है कि एक कास्ट को लेकर लड़ाई है यूपी में? सच सच्चाई सच्चाई की लड़ाई है।